तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज बात शुरुआत जो करेंगे इससे करते हैं कि हमारी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें सवाल डेरिवेशन भी आता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल जब आएंगे तो ज़्यादा टफ नहीं होते क्योंकि फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन डेरिवेशन भी टफ नहीं है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। तो एक कैपेसिटर जो हम बनाते हैं उसमें एनर्जी कितनी स्टोर है ये समझने की कोशिश करेंगे। आप बात समझ में आई आपको? तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर इसीलिए तो चाहिए हमको, कैपेसिटर का यूज़ क्या है, क्योंकि एनर्जी स्टोर करते हैं, सारी बात कर चुके हैं हमको। तो कैपेसिटर बनाने को हम कैसे अब देखते हैं। मान लीजिए ये कैपेसिटर हमको चाहिए, फाइनली ये है प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, ऐसा चाहिए, ठीक है। तो हम शुरू में अज्यूम क्या करते हैं इस कैपेसिटर की जगह, कि मान लीजिए दो प्लेटें थीं जिनके बीच में कोई चार्ज नहीं था, कंडक्टिंग प्लेट्स से लगी हुई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लस चार्ज, छोटा सा चार्ज डी क्यू, यहाँ से तोड़ेंगे और उसको यहाँ पहुँचाएंगे, ये कार्रवाई करेंगे, समझिएगा। जब यहाँ से प्लस क्यू निकालेंगे तो यहाँ प्लस क्यू पहुँच जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यही बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ऐसे तोड़ते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे, बात समझ में आ रही है। इस प्लेट से प्लस क्यू चीटी के बराबर समझाने के लिए एक जरा सा चार्ज लेके तोड़ेंगे, यहाँ पहुँचाएंगे आप, तो यहाँ प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा। ऐसे करते करते मान लीजिए हमारे पास एक सिचुएशन आ गई जहाँ पर यहाँ पर क्यू डैश चार्ज आ चुका है प्लस वाला, भाई ला रहे ना थोड़ी थोड़ा, जैसे चीटियाँ अपना सामान खाना लेके चलती, समझाने के लिए समझ के चल रहे। तो यहाँ लाते लाते प्लस क्यू वाला चार्ज बन गया, और यहाँ जाते जाते क्या बन गया प्रशांत शुक्ला, माइनस क्यू डैश, जितना इधर बनेगा उतना उधर, वहीं से तो तोड़ के ला रहे हो, ठीक है। अब अगला कदम क्या है, यहाँ से फिर डी क्यू तोड़ के ले जाना, उस सिचुएशन की अब हम बात कर रहे हैं। ये सिचुएशन हो चुकी, अब अगला कदम, अब डी क्यू तोड़ेंगे ले जाएंगे, उस डी क्यू में लगने वाला छोटा सा वर्क डन एनर्जी कितनी होगी, वर्क डन जो लगेगा वो एनर्जी हो जाएगी। ये एनर्जी इस कैपेसिटर के पास कहाँ से आई, हम ही ने तो वर्क डन किया जो स्टोर होने वाली है, हम ही तो चार्ज पहुंचा रहे जो स्टोर हो जाएगी। तो ये एनर्जी अगर वर्क डन निकाले तो हमारा काम बन जाएगा, क्या मिल जाएगा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एग्री करते हैं, बहुत बढ़िया करते हो। तो डी डब्ल्यू जो वर्क डन करेंगे, छोटा सा वर्क डन करेंगे डी क्यू ले जाने में, तो डी क्यू ले जाने में हमें ये मालूम है कि अगर हम इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, हमें पता है ना कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वी इंटू क्यू, ये फॉर्मूला पढ़े ना, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो भूल ना गए हों अगर तो क्यू वी। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाए तो डी क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, एनर्जी निकल आएगी उस डी क्यू के लिए। बात पकड़ में आती ही नहीं आती, ठीक, कावेरी आ रही है। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का भी एक फॉर्मूला और पढ़ा था उन्होंने, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, पढ़ा था कि नहीं, तो वी इज इक्वल टू ई इंटू आर लिख सकते हैं या डी आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ई कितना है यहाँ बीच में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों प्लेट के बीच में, कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था हमने सिग्मा क्या, यहाँ जो सिग्मा होगा वो सिग्मा कौन सा होगा, ये जो चार्ज इस समय है प्लस क्यू डैश वाला, तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए, वेरी गुड। तो यहाँ वैल्यू बात पड़ी क्यू डैश अपॉन ए और साथ में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, ये कहानी यहाँ से बनी है, क्लियर है, किसी डाउट वर्णिता। तो ये क्या बनी है आपकी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और आर से इसको कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, अभी नहीं आ रहा होगा अगर पढ़ा नहीं होगा तो, समझ में आ रही बात तुमको, एग्री कर रहे सब लोग, वही फॉर्मूला जो पता था वो सब लगाया हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स थी और इसको इस फॉर्मूले से वी इज टू ई इंटू आर से ई की जगह हमने क्यू की जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह क्या रख दिया क्यू डैश अपॉन ए रख सकते हैं, है ना कावेरी, और एप्सिलॉन नॉट वगैरह वगैरह। अब इसको रख दीजिए यहाँ, वी हमारा कितना है
क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर का मतलब ये बीच का डी है, इसको डी लिख दो जिससे कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए। ये हमारा क्या, दिस इज वी है ना। अब वी के साथ क्यू मल्टीप्लाई करते एनर्जी निकल आएगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, डी क्यू से। ये छोटी वाली एनर्जी निकल आई, वर्क डन एनर्जी, एग्री कर रहे हैं। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम, कहाँ से कहाँ तक, जीरो चार्ज से लेकर फाइनल चार्ज क्यू तक के, एग्री कर रहे हो। हाँ चल हाँ, तो लिखी थी वी है, वी इंटू क्यू नहीं लिखोगी, एनर्जी ये दिस इज वी और दिस इज डी क्यू, तभी तो एनर्जी मिलेगी, नहीं ठीक है, वनीता नहीं ठीक है। वनीता पूछने से पहले ही करिए, आप करे रहिए है ना, परेशान ना कीजिए हमको। तो अब इसको इंटीग्रेट करते, देखिए ध्यान से, नहीं अकेले कर नहीं पाएंगे। फिर इंटीग्रेट किया तो पूरी एनर्जी मिल गई, या एनर्जी स्टोर्ड मिल गई। और यहाँ कहानी क्या बनी, जो जो चीज़ कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन के बाहर आती है, एरिया कोई फर्क नहीं बाहर, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर, डी बाहर, क्यू डैश बाहर, क्यों मित बाहर नहीं, क्यू डैश हर पल बदल रहा है, डी क्यू लाएंगे क्यू डैश बदल जाएगा, क्यू डैश बाहर नहीं। तो बाहर आने वाला आदमी कौन कौन है, डी ए एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन किया जीरो से लेके क्यू तक, क्यू डैश डी क्यू, ठीक है। अब देखिए अभी इंटीग्रेट किया, ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो ये वैल्यू बनी डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाई, जीरो से लेके क्यू तक के, ये क्यू डैश ही था अभी। अब लिमिट रख देंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन टू, ये एनर्जी स्टोर्ड आ गई आपकी चार्ज के फॉर्म में। अभी चेंज करना पड़ेगा सी वी के फॉर्म में, तब पहचान पाएंगे आप। ये एग्री कर रहे हो, ये एनर्जी बन गई। अब जैसा एनर्जी के फॉर्मेट हम लोग सीखते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, सी एम ए मालूम है क्या होता है, एप्सिलॉन क्या वैल्यू होती है सी की, अचल, अरे इसमें सी की वैल्यू बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी कितना होता है, भूल गए भाई तुम लोग, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, फॉर्मूला पढ़ा था पिछली बार ड्राइव किया था। तो यहां पर वैल्यू हम लोग रख देंगे उसकी। और दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि सी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन वी। तो अगर कहीं क्यू स्क्वायर लिखना है तो क्यू स्क्वायर अगर इसको हटाना चाहते हैं हम, तो क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। इसी को घुमा घुमा के तरह तरह के फॉर्मूले लाएंगे हम लोग, ये हमारे पास आ गया। अब जैसे हाफ सी वी स्क्वायर होता है एनर्जी का फॉर्मेट, तो हाफ सी वी स्क्वायर निकाल देंगे, फिर क्यू में चेंज कर देंगे वगैरह वगैरह हम चेंज कर देंगे। तो पहले हम लिख देते हैं क्या सी का फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, इसमें सी पुट करो, तो सी पुट करोगे तो वन अपॉन सी दिख रहा है, ये देखिए इसका उल्टा, तो ये क्यू कितना बन गया हमारा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक तो लिखा है शायद, सी है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो सी आ जाएगा। एक तो फॉर्मेट बन गया ये हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, एक बार चेक कर लेना ये बराबर है कि नहीं, यह है फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन सी, कह रहा यही है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्यू के फॉर्मेट में गए तो क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो ये रख दीजिए, तो हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो कट के क्या बन गया, हाफ सी वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये, एक ऊपर वाला आया था, एक तीसरा और आ सकता है, कौन सा, चार्ज में आ गया, वी में आ गया, और कुछ बच रहा है, किसके फॉर्मूले ले आए, क्यू सी वी, सी वी आ गया, क्यू सी आ गया, अब वी और क्यू बचा हुआ है, वी क्यू के फॉर्मेट में ले आओ अब, तो लाओ जरा क्या आ गया वी क्यू के फॉर्मेट में, वी क्यू यानी सी को भगा देना है, तो सी को रख दो यहाँ पे क्यू अपॉन वी, तो यहाँ पर अगर क्यू को रख दो सी अपॉन वी, सी को रख दो क्यू अपॉन वी, तो क्यू वी, सही लिखा जाता है, ये तीन फॉर्मूले आ गए, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, और ये जनरल तो है ही हमारे पास। ये क्या डेरिवेशन है,
अभी थोड़ी बात और इस पे चर्चा करनी है। हाँ तो वन अपॉन सी लिखा तो है ये क्यू स्क्वायर अपॉन सी का मतलब क्या, वन अपॉन सी नहीं ठीक है, क्योंकि अगर ये गलत होता ना किसी तरीके से तो अगला गलत हो जाता हमारा, अगला सही कैसे आता फिर। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम लोग अभी। अब देखिए आगे जो बात करेंगे हम लोग ना, इसमें एक टर्म और यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे पहुँचाई जाती है वो दिखाते हैं अभी आपको हम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी को किससे डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम से, बात खत्म, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखते हैं इसमें रिजल्ट क्या आता है हमारा। तो देखिए वॉल्यूम हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को भी वी से दिखा रहे हैं, एरिया इंटू बीच का डिस्टेंस, यही तो होगा पूरा एरिया इंटू बीच का डिस्टेंस। ये बीच का डिस्टेंस इधर का है डी, और ये प्लेट्स दोनों सेम एरिया की, ठीक। जो एनर्जी आई उसी को उसमें बदल देंगे हम लोग। तो पकड़ लो कोई फॉर्मूला, इस वाले को भी पकड़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यू लिखा हमने क्यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू थी ना, किसी को भी पकड़ सकते, कोई असुविधा नहीं होगी आपको। अब इसको डिवाइड कितने से करना है, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम का मतलब हो गया एरिया इंटू डिस्टेंस, एग्री कर रहे हैं। ये क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी, छोटे यू से लिख दीजिए, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। वॉल्यूम आप सब जानते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस या हाइट, जो भी बोले, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो काट लेंगे, डी से डी कट गया पहले, तो ये बना क्यू स्क्वायर अपॉन टू, नीचे आया ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमें यहाँ से पता था कि बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको चार के फॉर्मेट में लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या ये वैल्यू यहाँ डाली जा सकती है, बिल्कुल डाली जा सकती है। तो डालने से पहले अगर हम उसको पूरी पूरी डालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर फॉर्मेट में धर देंगे उठाई, है ना, ठीक। तो अब वैल्यू क्या बन गई, वैल्यू बन गई क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये पूरी वैल्यू पहचानो, ई का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। This is the energy density of the capacitor. What is the meaning of the energy density? Very simple. Energy per unit volume. बात खत्म। बात समझ में आ रही? तो आप देख रहे होंगे जो energy density होती है, इसकी dependence किसी और चीज़ पे नहीं है, electric field पे dependence है इसकी। ये देखो। बाकी ये तो constant है, epsilon naught। ये किस पे depend कर रहा है? अंदर वाली electric field पे। जितनी ज़्यादा electric field पैदा कर देंगे, उतनी energy density इसकी बढ़ जाएगी। बात समझ में आती है? एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें एम्फेसाइज कर रहे हैं, नोट कर लो। ये कहानी हो गई आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। चलो इस पर बढ़िया सा न्यूमेरिकल और कर देते हैं, उससे कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा, छोड़ते नहीं है उसको। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो आपको काफ़ी कुछ सिखा सकता है। देखिए ये एग्जाम्पल आपकी काफ़ी मदद करेगा समझाने में। 2.10 पेज नंबर 82 इन टेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है। देखिए क्या बोलता है, बोलता है ए 900 पिकोफेरेड, सुनिए, ए 900 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, फिगर 2.31 ए, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, पहले यही कर लेते हैं, बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है पहला वाला। तो ये देखिए एक ये हमारा कैपेसिटर है, इसको आपने वोल्टेज दे रखी है 100 वोल्ट। डायग्राम में प्लस माइनस सब बढ़िया बना हुआ है, आप जानेंगे प्लस वाले को उससे कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, यहाँ आएगा माइनस, ये हो गया प्लस क्यू, ये माइनस क्यू जैसा डायग्राम में है। और इसका कैपेसिटेंस यानी सी की वैल्यू दी है 900 पिको फेरेड।
पीको फेरेड होता है 10^-12, तो इसकी जो वैल्यू आ गई एसआई सिस्टम के हिसाब से इतने फेरेड। ठीक, अब बोल रहा है कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड बताओ, तो हम रुक जाओ कृति बताओ, एनर्जी स्टोर्ड बताओ कृति, जल्दी बताओ, आगे बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बताओगे कि नहीं नहीं बताएंगे। देखो इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, सरकार गिरा देंगे ये। चलो भाई, एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, बहुत सरल है सवाल, देखो बोर्ड पे कृति, एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, सी गिवेन वी गिवेन, खत्म हो गया सवाल, इसीलिए पूछा था। तो हाफ लिखा सी की जगह हमने लिखा, पढ़ा है ना हाफ सी वी स्क्वायर, डराइव किया भी फॉर्मूला, अनजान नहीं हो ना। तो 900 × 10^-12 पीको फेरेड और 100 वोल्ट का स्क्वायर, तो 100 वोल्ट का स्क्वायर, चलो एक बार दिखा देते हैं आप, इसका कैलकुलेशन करो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ कितना, जूल्स, एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, और आपने ठीक किया, ये आंसर आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये नहीं होगी। ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं किसी पार्ट में, एकदम से कर देंगे आप। अब देखिए सेकंड पार्ट, पूरी बात समझ लीजिए फिर कॉपी कीजिएगा, सेकंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट में बोलते हैं द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, अब कैपेसिटर को चार्ज हो गया ये, अब इसको बैटरी से अलग कर लिया, एंड कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ 900 picofarad कैपेसिटर, दूसरे वाले को 900 picofarad से जोड़ दिया। वॉट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाई द सिस्टम, अब नई वाली जो सिस्टम होगा, समझिए क्या किया है, अगले केस में इस कैपेसिटर को जब चार्ज हो गया तो बैटरी हटा ली, और इसको दूसरे वाले कैपेसिटर से जो कि चार्ज नहीं था उससे जोड़ दिया, लेकिन उसका भी कैपेसिटेंस कितना है 900 picofarad, और इसका तो भी था 900 picofarad, अब इससे जोड़ो ये प्लस है तो ये भी क्या होगा प्लस, और ये माइनस, ये कहानी हाथ में है। अग्री कर रहे हो, समझ में आई बात, तो आगे चर्चा शुरू करें, समझ गए इतनी कहानी इसकी क्या हुआ, ये समझ गए ठीक। अब ध्यान रखिए आगे और कॉन्सेप्ट पकड़िए, जब भी इस प्लेट को इस प्लेट से हम जोड़ेंगे ये शर्तियां तय हैं कि इन दोनों का पोटेंशियल होगा एक ही, जब तक पोटेंशियल एक नहीं होगा तब तक चार्जेस भागते रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में चार्जेस मूव करते हैं, जिसे आप करंट भी बोला करते हैं, आगे पढ़ेंगे, अब पढ़ाई है 10th class में, बात सुनाई पड़ रही। तो ये तय है कि ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, एक कॉमन पोटेंशियल, ये तय है ठीक। ठीक है, अगर तय होंगे तो उस कॉमन पोटेंशियल का नाम हम दे देते हैं VC, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, जब इसको जोड़ोगे तो ये पक्का है कि ये प्लेट और ये प्लेट किस प्लेट पोटेंशियल पे जाएगी, सेम पोटेंशियल पे, और ये भी सेम पे जाएगी, मान लेते हो पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल क्या है VC, कॉमन पोटेंशियल ठीक। तो जब इसको हमने सेट कर दिया सिस्टम को लगा के बैठे हैं, तो इसकी फाइनल अगर हमें निकालनी पड़े कि इसका एनर्जी अभी कितना है, अभी सेटल क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जी जोड़ दें और निकाल लें कितनी अभी के हिसाब से। तो अभी के हिसाब से हम निकालें तो एनर्जी हम फाइनल लिख देते हैं, एनर्जी फाइनल समझ रहे हो, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है तो क्या हो जाएगा हाफ सी, सी सेम है, दोनों का सी सेम है इसलिए सी सेम ले रहे हैं, वरना सी वन सी टू लिखते, सी और वी सी का स्क्वायर प्लस अगेन हाफ सी और वी सी का स्क्वायर, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, वी सी एम है इसलिए लिखा, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सी वी सी स्क्वायर फाइनल एनर्जी, एग्री कर रहे हो। सी पता है हमको 900 picofarad, वी सी नहीं पता हमको, वी सी निकालते ही मेरा काम बनने की तरफ बढ़ जाएगा, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, निकालना क्या है इसमें, अभी की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यानी यही एनर्जी चाहिए हमको, चाहिए नहीं चाहिए। अब देखिए अभी हमने शुरू में जोड़ा था तो यहाँ पर जो चार्जेस थे वो समझ कर लो प्लस क्यू थे, तो जब इसको जोड़ोगे तो इस हिस्से में देखिए तो चार्ज तुम्हारे कंजर्व ही रहेंगे, चार्ज तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता ही होता है ना, ये चार्ज इधर कूद के इधर नहीं जा सकते ठीक। तो अगर यहाँ पर क्यू चार्ज था तो इसका अभी जो चार्ज बना होगा वो भी कितना होगा, टोटल क्यू ही होगा। दोनों को तो
भाई ऐड तो क्यों, ये चार्ज नहीं है ना, चार्ज नहीं तो क्यों नहीं है इसके पास, नहीं है ना। अब जब जोड़ दिया तो क्यों, इधर से लेगा ना कुछ क्यों, लेकिन टोटल क्यों कितना होगा, उतना ही जितना पेटी में था, बांट लिया दो लोगों ने, नहीं 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 है, इक्वल वाला ने ना, इक्वल की बात अभी हम कर ही नहीं रहे, मेरे कॉन्सेप्ट गलत पकड़ लोगे, कंजर्वेशन किया अभी हमने, इक्वल हो जाएगा इस सवाल में, दीगर बात है हर सवाल में इक्वल नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पकड़िए, और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाएगा तो अलग अलग होंगे चार्जेस, क्या इक्वल होगा, कंजर्वेशन इक्वल होगा, चार्जेस पहले जितने थे अब भी उतने होंगे, ये तय है, हो कुछ भी जाए, ठीक। अब बात करते हैं पहले चार्ज कितने थे, पहले चार्ज कितने थे, तो पहले हम जानते हैं कि पहले टोटल चार्ज कितना था हमारे पास, क्या बोलना चाहिए, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये पढ़ते थे फॉर्मूला, तो पहले चार्ज हमारे पास कितना था, C इंटू वी, पहले तो इतना ही था, तो C इंटू वी पहले का चार्ज, इस पे था ही नहीं, अब जोड़ दिया तो जोड़ने पर कैपेसिटेंस तो बदलता नहीं, चार्ज की बात कर रहे हैं, यहां Q निकालेंगे तो Q इसका कितना Q हो जाएगा, इस वाले का Q, C इंटू वी सी, अरे फॉर्मूला यही तो लगाया यार, तुम लोग सन्नाटे में क्यों जाते हो, ये एक चार्ज निकालना है इसमें क्यों, तो सी भी नहीं लगाओ इसका वाला, सी थोड़ी बदलता है, कैपेसिटेंस नहीं बदलता है, वी बदल गया वी सी हो गया तो लिख दिया वी सी, इसमें कौन बड़ी बात की, नहीं एग्री कर रहे हो, आ रहा है समझ में कि ऊपर से आ रहा है, तो सी इंटू वी सी लिखा, और इसकी कहानी पकड़ी है, क्या लिखे इसमें, क्यू इंटू हाँ सी वी सी, देखिए हम बात टोटल कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, आधा आधा नहीं किया डायरेक्ट, आधा आधा सीखोगे गलत हो जाएगा सवाल, जहाँ ट्विस्ट आया सवाल में गया सवाल, और यही सब ट्विस्ट आपको कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, तमाम मुंह खोल देते हैं, अरे पता नहीं क्या हो रहा है, सवाल ही नहीं पीड़ हो रहा है, मेगा ठीक है, मेगा से चिल्लाते नहीं हम, अच्छा मेगा इधर आओ, सी वी इज इक्वल टू सी, दिख रहा है क्या हो रहा है, इधर चार्ज को कंजर्व कर दिया हमने, तो ये क्या कटा, सी सी उड़ गए, तो V बराबर 2VC आया, नया वाला VC पुराने VC के कितने हिसाब किताब में, हाफ V बाई टू, अगर ये पोटेंशियल आधा हो गया है, अब देखिए चार्ज निकालिए, तो नया वाला चार्ज हम Q डैश मान लेते समझने के लिए, हो इसको कैपेसिटर वन, इसको कैपेसिटर टू, हम Q1 बात कर लेते हैं, अभी हमको नहीं मालूम कितना है, तो हम लिखेंगे क्या, कैपेसिटेंस C, भाई सी तो सी है, और इसका पोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना आया है, वी बाई टू, तो वी बाई टू, अब ये वी बाई टू सी वी अपॉन टू, सी वी क्या था, क्यू, अब चार्ज आया क्यू बाई टू, अगर आप ये सीख गए तो समझ लीजिए मजा आ जाएगा आपको, कोशिश तो हम कर रहे हैं, डायरेक्ट चार्ज को आधा नहीं किया हमने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे निकाल के आधा किया, जब आप ये सीखेंगे तो क्वेश्चन में कोई भी ट्विस्ट हो आपका गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं हम लोग रटे थोड़ी कि हाफ करना है, हो सकता है हाफ ना हो तो नहीं करेंगे, तो जो निकलना, क्या समझ पा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा समझ आ रहा, वर्णिता चला गया ऊपर से, थोड़ा आया तो थोड़ा गया, अभी कहाँ से गया, ये समझ पाई हो, ये क्या लगाया हमने, कंजर्वेशन, इसीलिए समय लगता है बेटा ना, जब डिटेल में जाओगे तो समय लग ही जाएगा, तो कैसे भगाएंगे बताओ, तो थोड़ा सा समझ के चलना ही ठीक है, अब हम छोड़ दें तो इनके लिए सब बेकार हो जाएगी, हो सकता है कोई और भी बैठा जो बोल ना पा रहा हो उसके लिए बेकार हो जाएगा, फिर आपको ये कौन बताएगा बताओ, ऐसी उम्मीद करना कोई और बताएगा, ठीक नहीं हमारे लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा रहे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है, चार्जिंग बिफोर, इसको जोड़ने से पहले अली चार्जिंग, इस चार्ज में क्या लिखा था, क्यू इंटू सी वी, ये लिखा सी वी, इसके बाद जब ये सिस्टम लगा दिया, इक्विलिब्रियम आ गई, तो इस पे चार्ज कितना, इस पे चार्ज कितना, दोनों को जोड़ दे तो वही चार्ज तो होगा, वही चार्ज ना पैदा होता है ना मरता है, भगवान ने उसको बनाया अमर अजर, और क्या बोलते हैं, ठीक है, कुछ हो रहा है, अब यहाँ पे देखा सी, इसका कैपेसिटेंस से कोई चार्ज का मतलब नहीं है, आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता चार्ज पे, और वी सी कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल समझ में आया था कि नहीं, हाँ सर, सी इंटू वी सी, इसका चार्ज आ गया, इसका अगर इसको क्यू वन बोलो तो ये क्यू वन आ गया,
इसके में चले गए क्यू टू में, तो सी इंटू वी सी इसका भी हो गया, क्योंकि सी तो सेम ही दिया उसने। और कैपेसिटर चेंज कर देता भाईजान तो क्या होता, क्यू टू बदल जाता, तब आधा आधा ना कर पाते आप, और आप घूमते रहते पता नहीं क्या लफड़ा हो गया इस सवाल में। कोई लफड़ा नहीं हुआ, हमने समझे ही सीखे ही गलत, जब सीखा गलत तो निकले गलत, समझ पा रहे हो। अगर 900 की जगह 1000 पिको फैरेड कर देगा तो क्या होगा, आप रटे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, समझे रहेंगे तो तुम जो जो दे दो आने दो, क्या है बात समझ में आ रही है, आपकी आ रही हो ना आ रही हो, हमारी आ रही। तो चलो आगे देखते हैं, ये समझ में आया जी जुड़ा क्यों। इसके बाद सी 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 तीनों कट गए, बच्चों वाली बात आप भी काट लेंगे, सी बराबर वी सी, वी सी जुड़ के टू वी सी बन गया, एक रिलेशन बन गया कि जो कॉमन पोटेंशियल है वो पहले वाले पोटेंशियल का आधा है, दिख रहा हमको, अपनी मर्जी से नहीं बोला, एग्री करते, अगर एग्री करते तो हम बात करते हैं क्यू वन की, इस वाले पे चार्ज कितना, तो इस पे चार्ज का फॉर्मूला होता है सी इंटू वी, भाई यही तो चार्ज का फॉर्मूला है, सी इंटू वी सी, यही तो लगाया था इधर कहीं, ये अब ये सी लिखा और वी सी का रिलेशन निकाल रखा है वी बाई टू, तो पहले वाले से क्या रिलेशन बन गया, क्यू अपॉन टू सी वी है क्यू, देखो क्यों कृति, कृति के लिए भी ये भी हो गया क्यू टू क्यू बाई टू है, तो इस पे क्यू बाई टू चार्ज और इसके भी ऊपर क्यू बाई टू चार्ज, यहां तक पहुंचा ले गए आपको, एग्री कर रहे, ठीक। अब क्या करना है, चाहिए क्या था अपने को, अपने को एनर्जी चाहिए फाइनल ना, वी सी नहीं पता चला अब भी, लेकिन कुछ हवा लगनी शुरू हो गई शायद, हाफ वी भी पता लग गया तो बस लगा दो, फिर गया है ये तो बताने की जरूरत भी नहीं थी, एडिशनल बता गया आपको, आई बात समझ में ना। तो ये वी अपॉन टू, वी कितना था भाई 100/2 50, एग्री करते हो, करना ही पड़ेगा, उधर आ जाओ ई फाइनल पे, तो लिखा हमने हा सी वी स्क्वायर, सी कितना है 900 पिको फैरेड, अगर ये सी वन सी टू होता तो ये सी नहीं आता, सी वन सी टू आता, समझ रहे हैं ना, इतना तो कोई डाउट आपको, ये हो गया सी, और आगे वी सी स्क्वायर, वी सी कितना है 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर देखेंगे कितना आता है 2500, तो 900 इंटू 2500 इंटू 10^-12, जरा जोड़ो घटाओ यार, 25 × 9 जी 225, 225 और कितने जीरो, 2 2 4, 1 2 3 4, साइंटिफिक फिगर में आ जाओ, 2.25, 2 2 4, 6 कम कर दो, 2.25 इंटू 10^-6 जूल आंसर, ठीक है। तो पूरी कहानी है और पूरी कहानी विद कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये बात दिमाग में डाल लेंगे तो आप बहुत सारे सवाल तरह तरह के, एक सवाल 10 सवाल के बराबर है ये, अगर इसको चीज़ फाड़ करके समझा जाए तो, जैसा हम लोगों ने कोशिश की समझने की। अब सबसे ज़्यादा चैलेंज ये कि ये बातें आप लिखने के बाद रिवाइज करते हैं कि नहीं, और आप रिवाइज नहीं करेंगे तो हमें तो याद रहेगी, आप भूल जाएंगे और सब बेकार हो जाएगा। अभी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि इसको समझें, लिखें और घर जाके रिवाइज करें, जिससे आपके पास बना रहे ये, वरना आप भूल जाएंगे क्या हुआ था खेल इसमें। एनीवे नोट करो, बात से आगे समझते। तो इस सवाल को लगाने पे एक अच्छी चीज़ क्या होती है, जो हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसके कॉन्सेप्ट में ज़्यादा गहराई पता चलने लगती है कि हाँ इस तरीके से डील की जा रहा सिस्टम को, ठीक है। इसको नोट करो, अगली बात पढ़ते हैं।